सुप्रभात पिला माने ई सुविद्या पाठशाला को तुम मानू बहुत बहुत स्वागत पिला माने आमे पूर्व क्लास गुड़िक कौन पढ़ी प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति पर्यंत केते गुड़िए वाक्य तुमको बुझेची एवं केते गुड़े शब्द मध्य पुलिंग स्त्रीलिंग क्लीबलिंग कि भाव में सब रूप हुए एक वचन दुई वचन बहुवचन बुझेली आज आम पढ़ा कौन सप्तमी विभक्तिर व्यवहार संपर्क है बर्तमान आम कौन करवा ना बहरे जो चित्र अच्छी चित्र को देखा एवं पढ़वा है देख पिला माने एठी गोटे नर्तकी कौन करुछी नाच करुछी ना कि अच्छा देख नर्तकी मंचे नृत्यति बालक पर्यंके निद्राति युवक कटे योगासनम करोति धनम कोशे अस्ति छात्रा विद्यालय पठंती हला ताले वर्तमान ये जो पांचटी वाक्य पुलिंग शब्द अकारांतर जो सब शब्द अच्छी से वर्णना करवहार करतमान लिखी देख नर्तकी मंचे नृत्यति नर्तकी मंचरे नृत्य करुछि ताले नर्तकीटी नृत्य करुछि केउठारे ना मंचरे हला जेऊ स्थान रे नृत्य करुछि सही स्थानटा हिजबो कोन सप्तमी विभक्ति तेरे मंचरे हेगला ताले मंच को संस्कृत कौन है मंचे है तमें मंचेटा है सप्तमी विभक्ति प्रयोग हो गला देख पे बालक बालक पर्यंके निद्राति बालकटी पलंग रे सोइछि ताले बालकटी केउठी सोइछि ना पलंग रे जेउ स्थान रे सोइछि सेही स्थान होइजबो कोन सप्तमी विभक्ति ताले पलंग रे को कोन कहंती पलंग को पर्यंक ताले कहला पर्यंके हेगला कोन सप्तमी विभक्ति जो स्थान कौन अधिकरण कारक अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होता है तृतीय वाक्य कौन खाई युवक कटे योगासनम करोति युवकटी पट्टी योगासन करुछि ताले युवकटी केउठारे योगासन करुछि ना पट्टी ना कि ताले पट्टी रे कहते कटे कट सप्तमी रहिला कौन कटे जेंती बालक बालक कौन हम बालक शब्दर सप्तमी रहा कौन बालके से हीपर कौन कटे है सप्तमी व्यक्ति प्रयोग है देख पे मैंने धनम कोशे अस्ति धन भंडार रे अच्छी ना कि धन केउठारे अच्छी ना भंडार रे अच्छी कौन हम ना कोशर है कौन कोशे कोशर है कौन कोशे जोटी धन रखा जाए धन भंडार कहते कौन कोश हाँ तो सप्तमी है कौन कोशे बुझिपार छात्रा
विद्यालय पठन्ति छात्र माने विद्यालय रे पढ़ुछन्ति पिला माने छात्र माने केउठारे पढ़ुछन्ति छात्र माने विद्यालय रे पढ़ुछन्ति ताले विद्यालय अकारान्त सप्तमी रे कोन विद्यालय हला ताले विद्यालय एटा हला कोन सप्तमी विभक्ति ताले वर्तमान आमे जे जानिले ए सब जे कोन पुलिंग शब्द हला पुलिंग शब्दर आमे उदाहरण तने जानिले हला सब अकारान्त उदाहरण तापर देखिबे आमे कोन नेक्स्ट पार्ट को देखिबा नेक्स्ट पार्ट रे कोन लिखाई छि पिला माने वर्तमान मु पढु छि द्वितीय पार्ट को त मन दे सुनो तापर मु लिखि देबी त माने खाता रे लिखिबो शिशु डोलायाम अस्ति बालिका बाटिकायाम भ्रमंती भगिनी स्थालिकायाम भोजनम आनयति जननी पाठशालायाम पचति बाचक सभायाम बदति यहाँ तुम्हें दि तीन थर उच्चारण करना उच्च स्वर से उच्चारण करना पढ़व ताल ए संस्कृत भाषा को भल भाव बुझिपार लेख समस्त को शिशु दोलायाम अस्ति शिशुटी दोली रे अच्छी ताले शिशुटी केउठी अच्छी दोली रे अच्छी ताहले ए दोली रे सप्तम भीतर कौन हला दोलायाम बुझला तापरे बालिका बालिका हा बाटिकायाम भ्रमंती बालिका माने बालिका हा अच्छी बालिका माने बाटिकायाम माने बगीचारे भ्रमण करुछंती ताले बालिका माने केउठारे भ्रमण करुछंती बालिका माने बगीचारे भ्रमण करुछंती तेणु जो स्थान रे भ्रमण करुछंती सही स्थानटी हम कौन अधिकरण कारक अधिकरण कारक सप्तम विभक्ति होइथाए बगीचा को कहती बाटिका ताले बाटिका होची आकारान्त लता परि हम जिन लता शब्दर सप्तम कौन अच्छी लतायाम समती है बाटिकायाम बुझला तृतीय वाक्य कौन लिखी भगिनी स्थालिकायाम भोजनम आनयति भौणी थाली रे भोजन आणुची ताले भौणी भोजन केउथरे आणुची थाली रे आणुची नकि ताले कोन हबो स्थालिकायाम हला सप्तमी व्यक्ति एटी हला जननी नेक्स्ट वाक्य देख जननी पाक शालायाम पचति जननी माने कौन माँ ताले माता पाक शालायाम माने रोसई घरे रांधुछंती ताले माँ केउठारे रांधुछंती रोसई घरे ताले जेउठारे रांधुछंती ता हब कौन सप्तमी विभक्ति रोसई घर को कौन कहती पाकशाल कहती ना कि ताले सप्तमी कौन होगा पाकशालायाम होगा बुझेर नहीं जेउठारे रांधती से स्थानटी हो कौन सप्तमी विभक्ति
नेक्स्ट वाक्य देख बाचक सभायाम बदति बाचक हमारे कौन वक्ता वक्ता सभारे कहते जी वक्ता से कहे तेरे वक्ता केउठारे कहते ना सभारे कहते सभा है आकारांत स्त्रीलिंग परी तेनाली सभायाम ताहले सभाटा को सप्तमी है कौन सभायाम बुझीगल ताले वर्तमान आम कौन कले स्त्रीलिंग शब्द उपर आम जानले ना कि स्त्रीलिंग शब्द उपर कौन है शब्द गुड़ी सप्तमी विभक्ति प्रयोग होती बर्तन बुझीगले ना कि अच्छा पुनश्च मध्य आगे स्त्रीलिंग कौन कौन अच्छे देखा नौका नौका नद्याम चलती नौकाटी नदी रे चालुछी तले पिला माने नौकाटी केउ स्थान रे चालुछी नदी रे चालुछी ताहले ए नदी रे कोन हबो सप्तमी रे हबो कोन नद्याम बुझला राज्य पालह राजधान्यां तिष्ठति राज्यपाल राजधानी रे रहंती ताहले राज्यपाल पिला माने केउठर रहंती राजधानी रे रहंती तेनु राजधानी रे कहला सप्तमी रे कौन राजधान्याम बुझला सही परी जलम कुपाम अस्ति हला जल कुपरु अस्ति तब रख मीनाहा जले तरमती एठे हला नपुंसक लिंग बतान करबा वर्तमान आमे नपुंसक लिंग बा क्लीब लिंगर तीनटी उदाहरण अछि नपुंसक लिंगरे जो सब शब्द अछि तार व्यवहार होइछि देख कौन लिखा ना मीनाहा जले तरमती मीनाहा मान कौन माछ माने बहुवचन माछ माने जलरे पहरमती ताले माछ माने केउठारे पहरमती जलरे जल हला कौन नपुंसक लिंग बा क्लीब लिंग पढ़ी फलम फले फलानी फलम फले फलानी ना कि बाकी तृतीया रु बाकी सब शब्द हला तुम कौन देव शब्द पर हम ताहले कौन है जले सप्तमी विभक्ति तार व्यवहार है पशव बने विहरती पशव मान कौन बहुवचन पशु माने हला पशु माने बणरे विचरण करती ताले पशु माने केउठारे विचरण करती ना बणरे ताले बण को कौन कहते बन बन ताको सप्तमी विभक्ति रे कौन हैगला बने हला तापरे एटा लास्ट जिन शब्द सिंघाहा पर्वते गर्जंती सिंघाहा बहुवचन तमाने सिंह माने पर्वतरे गर्जन करती सिंह माने केउठारे गर्जन करती ना पर्वतरे हला ताले पर्वतटा को आमे सप्तमी विभक्ति प्रयोग करिबा कौन हबा पर्वते
है पाने वर्तमान तुम सप्तम विभक्तिर व्यवहार में छोट छोट वाक्य सब जहाँ कल तुम निश्चिंत भाव भल बुझिपार आर क्लास को आम आउ कि पढ़वा। धन्यवाद पिला।